और उत्तराखंड विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी थी, होते ही विधायक देशराज कर्णवाल ने सफाई कर्मियों के मामले में शहरी विकास मंत्री से जवाब तलब किए। उन्होंने सफाई कर्मचारियों को पर्यावरण मित्र और डॉक्टरों को कोरोना वॉरियर घोषित किए जाने की मांग उठाई थी। कर्णवाल ने राज्य में लॉकडाउन के समय उद्योगों से श्रमिकों को निकाले जाने का भी मुद्दा उठाया है। विधायक राम सिंह खेड़ा ने उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों सहित विधानसभा क्षेत्र भीमताल के अंतर्गत बिजली के बिल बिना रीडिंग के लिए जाने का मुद्दा भी सामने रखा, जिस पर ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने जवाब दिया कि उपभोक्ता के जरिए बिना रीडिंग के बिल दिए जाने की शिकायत पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की गई है। शिकायतों के निराकरण के लिए क्षेत्रों में नियमित रूप से कैंप भी लगाए गए। अगर इन सब व्यवस्थाओं के बावजूद भी गलत रीडिंग आती है तो संबंधित एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। और विधानसभा में गुरु चेले को लेकर रोचक बहस भी छिड़ी हुई देखने को मिली, जिस पर विधायक मनोज रावत ने सतपाल महाराज को राजनीतिक गुरु बताया। वहीं विधायक ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अब तक कितने लोगों को रोजगार मिला है, जिस पर श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने स्वरोजगार से जोड़ने को लेकर सरकार प्रयासों का बखान किया। लॉकडाउन के समय कौशल विकास पोर्टल पर 25,317 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें से कई लोगों को लाभ भी मिल चुका है। तीसरे दिन की कार्रवाई में मंगलौर विधायक ने धान खरीद का मुद्दा उठाते हुए सरकार के लक्ष्य को जानने की बात कही, जिस पर खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री राज्य सरकार के पिछले साल के लक्ष्य और आगामी सत्र 2021-22 में 15 लाख मीटर टन धान खरीद की योजना गिनाई। गौरतलब है कि पहले दिन जहां दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि सदन में दी गई, तो दूसरे दिन सीएम धामी ने अपना पहला अनुपूरक बजट पेश किया। इस दौरान सदन के बाहर विपक्ष का तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा भी देखने को मिला और सरकार की नीतियों पर सवाल भी खड़े किए गए। देखिए, इस विधानसभा के कार्यकाल में पहली बार असरकारी बिल, जिसको कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल, लेकर के हम लोग आ रहे हैं। मेरे द्वारा उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम की जो दो धाराएं 143 और 154 में संशोधन करके उत्तराखंड की सरकार ने 2018 में जमीन को खुलेआम नीलामी और बेचने की जो साजिश शुरू करी थी, जो आज तक चली आ रही है, उसके विरोध में उन दोनों धाराओं को निरस्त करने और उस व्यापक कानून को बनाने की मांग को लेकर के हम एक विधेयक बिल, प्राइवेट मेंबर बिल ला रहे हैं। प्रचंड बहुमत के घमंड में ये देवस्थानम बोर्ड बना गए, जबकि इन्होंने पंडा पुरोहितों को सबको विश्वास में लेना था, विपक्ष को विश्वास में लेते, आपस में वार्ता करते, उसमें विचार विमर्श होता, उसके बाद जो है उस कानून को लागू करते। लेकिन इन्होंने जो है प्रचंड बहुमत के घमंड में एक तरफा कानून पास कर दिया, जिसमें आपने देखा होगा कि बर्फबारी में भी वहाँ के जो पंडा पुरोहित थे उन्होंने केदारनाथ में अर्धनग्न होकर जो है धरना प्रदर्शन किया, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। और जो भूकानून की बात है, भूकानून आप देख रहे हैं, उत्तराखंड राज्य जब बना था तो उसमें यही मांग की गई थी कि उत्तराखंड के निवासियों को उसका जो है जो उनका जो भूकानून है, जो अधिकार है, उसका अधिकार मिलना चाहिए।